अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं नैरोबी केन्या के बगड़ा परिवार की ओर से। तज्जयति परम ज्योतिः समं समस्तैरनन्त पर्यायै दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र परमागमस्य जीवम् निषिद्ध जात्यंध सिंदुर विदानम सकल नय विलसितानाम विरोध मथनम नमाम्यनेकांतम विरोध मथनम नमाम्यनेकांतम। परमागम का सारभूत यह है अनेकांत, जैन शासन का प्राण है। इस अनेकांत स्वरूप वस्तु स्वरूप को नमस्कार कर अमृत चंद्र स्वामी ने यहाँ इस पुरुष के प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए, उसका उपाय बतलाने के लिए इस ग्रंथ की रचना की। यथा नाम तथा गुण यह शास्त्र, जैसा नाम है वैसे ही गुण है। नाम है पुरुष, अर्थ, सिद्धि, उपाय, और जो बात और विषय वस्तु यहाँ बतलाएंगे वह भी होगी पुरुष, अर्थ, सिद्धि, उपाय। पुरुष माने होता है आत्मा, आगे चलकर के सिद्ध करेंगे इस विषय को। पुरुष माने होता है आत्मा, चेतन, वो पुरुष है। कभी कभी मुझे ये भी विकल्प आता है कि जब भक्तियों में, स्तुतियों में जहाँ जहाँ पुरुष प्रधान वचन कहे गए होते हैं, लेडीज जब उसे पढ़ती हैं तो उन्हें लगता है इनको बदल दो कि इनको पुरुष जैसा बोलो इन शब्दों को। माने जहाँ जहाँ ऐसे शब्द आते हैं, समझ लो आप मेरी भावना में कि दयानंद राय जी की पूजन में, अरे भाई ऐसा नहीं कर सकते हैं आप। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि आप अपने आप को लेडीज मत समझो, आप भी पुरुष हो। दुनिया में जितने पुरुष हैं वे तो सब पुरुष हैं ही, और दुनिया में जितनी लेडीज हैं वे भी सब पुरुष ही हैं। नहीं तो फिर आप कह दोगे यहाँ कि साहब पुरुष अर्थ सिद्धि उपाय कह रहे हो साहब आप, तो फिर महिला अर्थ सिद्धि उपाय बताओ। पुरुष अर्थ सिद्धि उपाय, हम तो महिलाएं, हमारा क्या होगा? आप महिला अर्थ सिद्धि उपाय भी लिखो एक शास्त्र। नहीं नहीं साहब, अमृत चंद्राचार्य पुरुष थे तो उन्होंने पुरुष अर्थ सिद्धि उपाय लिख दिया, और हमारे कोई माता जी है उनको हम कहेंगे, आर्यिका माता जी को कहेंगे कि आप है ना महिला अर्थ सिद्धि उपाय लिखो। अरे भाई हम ऐसे शरीर से देखते हैं अपने आप को, शरीर से देखना बंद करो। तुम शरीर नहीं हो, तुम शरीर जितने नहीं हो, तुम शरीर वाले नहीं हो, तुम शरीर से भिन्न इस शरीर के अंदर बैठे हुए एक आत्मा हो, एक चेतन हो। तो अपने आप को पुरुष देखो। जो व्यक्ति अपने आप को जैसा मानता है वैसी उसकी प्रवृत्तियां शुरू हो जाती है। तुम क्यों मानते हो अपने आप को स्त्री? तो मैं भी पुरुष हूं क्योंकि मैं आत्मा हूं। आत्मा पुरलिंग होता है, आत्मा स्त्रीलिंग नहीं होता। आत्मा के, अरे भाई आत्मा के प्रयोजन की सिद्धि, और आत्मा का प्रयोजन है सुख। तीन लोक में जितने भी जीव हैं हर जीव सुख चाहते हैं, माने सुख के प्रयोजन की सिद्धि का उपाय यहां बताते हैं। हर जीव सुख चाहता है, आपका उपाय यहां बतला रहे हैं। आप सुख चाहते हैं, आपके सुख रूपी प्रयोजन की सिद्धि यहां होगी। ये इस ग्रंथ का नाम था। तो बताओ बताओ साहब, इसके उपाय बतलाओ, इसके सिद्धि का उपाय बतलाओ महाराज, क्या बतला रहे हो आप? सुनो, हम बता तो देंगे आपको, लेकिन पहले ये सुन लो आप बताने वाले कौन होने चाहिए। ये संजीव गोदा सुना रहे हैं इसलिए मत सुनना, ये कोई वक्ता सुना रहे हैं, विद्वान सुना रहे हैं इसलिए मत सुनना। वक्ता कौन होना चाहिए? जिन वाणी की बात का प्रतिपादन करने वाला कैसा होना चाहिए?
जिन वाणी की बात को कहने वाले में किस तरह की क्वालिटी और योग्यता होनी चाहिए, हम उसकी बात कर रहे हैं। जिन वाणी की बात कहने वाले में तीन विशेषताएं चाहिए, महत्वपूर्ण विशेषताएं चाहिए। बोले कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए? वक्ता में, आचार्य में, मुनिराज में, ज्ञाता में, प्रतिपादन करने वाले में। बोले कौन सी विशेषताएं चाहिए? बोले सुनो आगे वक्ता के लक्षण। इसलिए प्रथम ही वक्ता का लक्षण कहते। सबसे पहले हम यहां वक्ता का लक्षण बतला रहे हैं। अमृत चंद्राचार्य की पंक्तियां हैं भाई साहब, वक्ता का लक्षण बतला रहे हैं यहां अमृत चंद्राचार्य देव। देखो जरा क्या कह रहे हैं। पेज नंबर है 26, 26 नंबर पेज है जो पुस्तकें आप लोगों को भेजी गई है। अभी भी जिन्हें नहीं मिली हो, वे पहला प्रवचन, दूसरा प्रवचन जो इस पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का प्ले लिस्ट पर देखें, उसके डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां लिंक मिलेगी, उस लिंक से आप ग्रंथ को डाउनलोड कर लेवे। ठीक है ना? पहले प्रवचन और दूसरे प्रवचन के डिस्क्रिप्शन में, आपको नहीं पता लग रहा है, आप घर के युवा बच्चों से पूछिए, युवा साथियों से पूछिए, वे आपको बतला देंगे, आपको ग्रंथ वहां से मिल पाएगा। इस ग्रंथ का 26 नंबर का पेज है और श्लोक नंबर 4 है, 4 नंबर का श्लोक, बहुत सुंदर श्लोक है। देखिए, मुख्योपचार विवरण, बोलिए सब लोग मिलकर के, मुख्योपचार विवरण निरस्त दुस्तर विनय दुर्बोधा, निरस्त दुस्तर विनय दुर्बोधा, व्यवहार निश्चय ज्ञान प्रवर्तयन्ते जगति तीर्थम। प्रवर्तयन्ते जगति तीर्थम, याद हो जाएगा श्लोक, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, बहुत सुंदर चर्चा यहां की गई है। देखिए आप, मुख्योपचार, अन्वयार्थ पढ़ रहा हूं नीचे से पुस्तक में, देखिए, मुख्योपचार विवरण निरस्त दुस्तर विनय दुर्बोधा। एक्चुअल में इसके भी खंड खंड करने की जरूरत है, अब लेकिन ऐसा ही हुआ है संपादन, क्या करें अपन, कोई बात नहीं। संस्कृत की ऐसी लंबी लंबी लाइन है ना, तो उसका अर्थ एकदम नहीं होता है। मुख्योपचार माने मुख्य और उपचार, विवरण माने कथन, कथन का विवेचन, उससे कहते निरस्त नष्ट कर देना, दुस्तर, दुस्तर जिसे तैरना मुश्किल हो। एक एक शब्द सुनना, संस्कृत के शब्द बहुत सरल है। मुख्योपचार, श्लोक याद किया है ना, मजा आएगा श्लोक में। मुख्योपचार माने निश्चय और व्यवहार, मुख्य माने होता है निश्चय और उपचार माने होता है व्यवहार। मुख्य माने निश्चय और उपचार माने व्यवहार। क्या? तो मुख्य और उपचार के विवरण व्याख्या से, उसके व्याख्यान से निरस्त कर दिया है जिन्होंने। निरस्त क्या होता है? निरस्त माने खत्म कर देना, वो कहलाता है निरस्त। दुस्तर जिसे तैरना मुश्किल हो, जिसे पार करना मुश्किल हो, क्या दुस्तर? विनय दुर्बोधा। विनय शब्द का प्रयोग शिष्यों के अर्थ में किया है, बहुत गजब का शब्द है विनय। विनय माने होता है शिष्य, विनय माने शिष्य। हाँ, शिष्यों में विनय की मुख्यता होती है। अरे जिसमें विनय नहीं हो वो शिष्य नहीं है, शिष्य बनने की पात्रता नहीं है। विनय कौन करेगा? जो व्यक्ति विनय करेगा वो व्यक्ति शिष्य बनने के योग्य होगा। अरे गुरुओं के प्रति कितना बहुमान होता है शिष्य के हृदय में, गुरुओं के आदेश पर। गुरु यदि कह दे ना यहां से कूद जाओ तो कूदने को तैयार है, इतनी विनय होती है गुरुओं के प्रति, इतना बहुमान होता है गुरुओं की वाणी के प्रति, आज्ञा का पालन बस और कुछ नहीं। तो विनय, विनय दुर्बोधा माने शिष्यों के दुर्बोध को, शिष्यों के अज्ञान अंधकार को निरस्त, जो अस्त व्यस्त कर देने वाले हैं। पहला लक्षण है गुरुदेव का, गुरु कैसे होने चाहिए? शिष्यों की शंकाओं का समाधान करने वाले, ये अर्थ निकलता है भाई साहब सीधा सीधा सा। शिष्यों के अज्ञान अंधकार को दूर करने वाले, शिष्यों के प्रश्नों का निपटारा करने वाले। शिष्य कोई भी प्रश्न करे, मैं यदि टोडरमल जी के ही शब्दों में कहूं तो मैं ये कह सकता हूं, प्रश्नों की बोछार को सहने की सामर्थ्य जिसमें है वो वक्ता सुशोभित होता है। एक तरफा नहीं चलेगी बात,
आपने कह दिया, आपने कह दिया, जचे जो सुनाते रहे आप, और सामने वाले ने प्रश्न पूछा, पता नहीं मैंने तो क्यों कहा था, ऐसे थोड़ी ना चलेगा। आप जो बात कह रहे हो उस बात में से यदि कोई प्रश्न खड़े होते हैं तो उन प्रश्नों का समाधान करने की सामर्थ्य होनी चाहिए। ये गुरु के लक्षण है, ये वक्ता के लक्षण है। पहली लाइन हो गई। दूसरी लाइन, व्यवहार निश्चय यज्ञ, गजब की लाइन है। व्यवहार निश्चय यज्ञ, व्यवहार और निश्चय के ज्ञाता है। व्यवहार और निश्चय के ज्ञाता होने चाहिए। हमारे बहुत सारे नए साथी होंगे जिनको व्यवहार और निश्चय की खबर नहीं होगी। आप चिंता नहीं करें, ये सब अभी बतलाने वाले टीका में बतलाएंगे। श्लोक पढ़ रहा हूं अभी। तो व्यवहार क्या होता है, निश्चय क्या होता है, ये है नए पद्धति जिसके लिए कल ऐसा कहा था, परमागमस्य जीवम निषिद्ध जात्यंत सिंदुर विधानम सकल नय विलसितानाम विरोध मतनम नमाम्यनेकांतम नमाम्यनेकांतम। देखो जरा क्या कहा, व्यवहार निश्चय अज्ञा प्रवर्तयन्ते प्रवर्तयन्ते जगति तीर्थम, जगत में जो धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करते हैं। तीन बातें मैं कहता हूं, इन्होंने यहां अन्वय अर्थ करते हुए उन तीन को दो में समेट लिया है। तीन पॉइंट कौन कौन से हुए हमारे हिसाब से, तीन बातें कह दी है मैंने यहाँ वक्ता के संदर्भ में। तीन बातें आपको, तीन पॉइंट याद रखने हैं वक्ता के संदर्भ में। पहला पॉइंट, निश्चय और व्यवहार पद्धति के माध्यम से शिष्यों की शंकाओं का जो समाधान कर सके। विनेय दुर्बोधा निरस्त, विनेय माने शिष्य, दुर्बोधा माने अज्ञान, दुर्बोध निरस्त नष्ट कर दिए। पहला पॉइंट है, किसी वक्ता में सामर्थ्य है तो वक्ता के योग्य है, वो वक्ता कहला सकता है, वो शास्त्र रचना कर सकता है, वो व्याख्या कर सकता है, वो व्याख्यान करने योग्य है। नंबर वन पॉइंट, गुरुओं के लक्षण बतला रहे हैं, मुनिराजों के लक्षण बतला रहे हैं, आचार्यों के लक्षण बतला रहे हैं। पहला पॉइंट हो गया। नंबर दो, व्यवहार निश्चय यज्ञ, निश्चय और व्यवहार का ज्ञाता होना चाहिए गुरु के लिए। दोनों नयों को जानने वाला होना चाहिए, दोनों नयों को समझने वाला होना चाहिए। दोनों नयों को बराबर समझता है कि नहीं समझता है, ये दूसरा लक्षण चाहिए उसमें, व्यवहार और निश्चय का ज्ञाता। और तीसरा एक और, जिसे मैं लक्षण समझता हूं, जिसे यहां बातों में कॉमन बातों के अंदर समाहित कर लिया गया, तीसरा लक्षण है प्रवर्तयन्ते जगति तीर्थम, जिनकी भावना हो जगत में धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करने की, जिनकी भावना हो विषय वस्तु को समझने की और दुनिया समझ जावे इसको, ऐसी जिनकी भावना हो, धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करने की जिनकी भावना दौड़ती हो, वे गुरु हैं। संसार से विरक्त हैं, दुनियादारी में उलझे हुए नहीं है, विषय कषायों में फंसे हुए नहीं है, उनके वक्ता पना शोभता है। भाई साहब, धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करने के लिए जिन्होंने कमर कसी है उनके वक्ता पना शोभता है। ये काम ऐसे नहीं है विषय कषायों में रचे पचे और आकर के उपदेश देती है, अरे जीवन देना पड़ता है तब जाकर के काम होता है, जीवन समर्पित करने के काम है ये सब। इन आचार्यों ने जीवन समर्पित किया है, हमारे पूर्ववर्ती विद्वानों ने पूरा पूरा जीवन लगा दिया है इस तत्व ज्ञान के लिए, तब जाकर के वे कुछ काम कर पाए हैं, तब जाकर के हमारे पास में जनवाणी और जनागम सुरक्षित है, हम तक पहुंचाए। देखिए अन्वय अर्थ पूरी पढ़ देता हूं अब मैं भाती, यहां से संस्कृत हटा करके सीधा सरल अर्थ पढ़ता हूं। मुख्य और उपचार कथन के विवेचन से प्रकट रूपेण शिष्यों का, प्रकट रूपेण प्रकट हो गए शिष्यों का दुर्निवार, दुर्निवार, दुर माने कठिन है, निवार माने निवारण, जिसका निवारण कठिन है वो है दुर्निवार। क्या? अज्ञान भाव जिन्होंने नष्ट कर दिया है। शिष्यों का कठिनता से पार पाने योग्य अज्ञान भाव जिन्होंने नष्ट कर दिया है, तथा जो व्यवहार और निश्चय के ज्ञाता हैं, जानकार हैं। क्या होता है व्यवहार, निश्चय क्या होता है, जानकार हैं, व्यवहार और निश्चय के जानकार हैं, ऐसे आचार्य जगत में धर्म तीर्थ का प्रवर्तन कराते हैं। ऐसे आचार्य धर्म तीर्थ का प्रवर्तन कराने होते हैं, कराने वाले होते हैं जगत में, माने उनके माध्यम से ही धर्म तीर्थ का प्रवर्तन हो सकता है।
देखिए इतनी सुंदर बात यहाँ कही। अब टीका, टीकाकार कौन है? पंडित प्रवर टोडरमल जी। बार बार याद करते हैं, बड़ा गजब कमाल किया है उन्होंने। माने विद्वानों की परंपरा में टोडरमल जी अग्रिम पंक्ति में रखे जाने योग्य विद्वान है, टॉप लेवल के विद्वान है। आज तक की हजारों वर्षों की परंपरा में यदि विद्वानों के नाम लिखे जाएं तो ऐसे ऊपरी ऊपरी पंक्ति में नाम आएगा उनका, टोडरमल जी का। औरों का अपमान नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन जबरदस्त काम किया है उन्होंने। आचार्य कल्प उपाधि से जिन्हें स्मरण किया जाता है, वे आचार्य कल्प आचार्य नहीं थे, टोडरमल जी थे गृहस्थ। लेकिन जो उन्होंने काम किए हैं वो जबरदस्त काम है। इसलिए भाई उन्हीं की परंपरा में, वर्तमान में जितने विद्वान दिखाई देते हैं उन्हीं की परंपरा में दिखते हैं। टीका, विशेषज्ञ करना नहीं होगा। टीका देखिए, व्यवहार निश्चय यज्ञ जगति तीर्थ प्रवर्तयन्ते। व्यवहार और निश्चय के जानने वाले आचार्य, आचार्य कौन होते हैं? आचार्यत्व करने वाले आचार्य कहलाते हैं। आचार्य कौन है? व्यवहार और टीका की पहली लाइन है, व्यवहार और निश्चय के जानने वाले आचार्य इस लोक में, इस दुनिया में जहां रहते हैं, आसपास में, आसपास के नगर में, क्षेत्र में, एरिया में, इस लोक में धर्म तीर्थ का प्रवर्तन कराते हैं। ये मुनिराज, ये मुनिराजों की ऐसी क्वालिटी होती है, धर्म तीर्थ का। अरे भाई मुनिराज जहां खड़े हो जाते हैं, आचार्य जहां खड़े हो जाते हैं, वहां अपने आप ही धर्म तीर्थ का प्रवर्तन होने लग जाता है। कैसे हैं आचार्य? मुख्योपचार विवरण निरस्त दुस्तर विनय दुर्बोधा। मुख्य और उपचार कथन से, मुख्य माने हाइलाइटेड, उपचार माने इधर उधर से, मुख्य माने मेन बात जो है वो कहलाती है मुख्य। मुख्य जैसे न्यूज आती है ना टीवी में, आजकल तो काफी समय हो गया हमने देखी नहीं, लेकिन पुरानी याद आती है इस तरह की कि 20 मिनट की न्यूज आती थी, 15 मिनट की न्यूज आती थी, और 15 मिनट की न्यूज बतलाने के बाद में, 15 मिनट की न्यूज बतलाने के बाद में 2-3 मिनट, 1 मिनट में अब मुख्य समाचार पूरे का एसेंस निकाल दिया। 15 मिनट बोले और 15 मिनट बाद में अब मुख्य बिंदु, अब मुख्य बातें। तो ये कह रहे मुख्य माने हाईलाइट करने योग्य, वो है मुख्य। और उपचार क्या होता है? उपचार माने लगावटी मिलावटी बातों को कहते हैं उपचार। तो मुख्य और उपचार कथन से शिष्य के अपार अज्ञान भाव को जिन्होंने नाश कर दिया है, अज्ञान भाव को जिन्होंने नाश कर दिया है, ऐसे हैं। देखिए जरा, ये तो हो गई टोडरमल जी की टीका। भावार्थ में पढ़ते हैं जरा क्या चीज है। बहुत सुंदर सुंदर बातें हैं, उपदेशदाता की विशेषताएं बतला रहे हैं, सुनो। भावार्थ 27 नंबर पेज। उपदेशदाता आचार्य में अनेक गुण चाहिए। उपदेश देने वाले आचार्य में अनेक गुण चाहिए, परंतु व्यवहार और निश्चय का ज्ञान मुख्य रूप से चाहिए। ये मुख्य है उसमें, व्यवहार और निश्चय का ज्ञान। किस लिए? कि जीवों को अनादि से अज्ञान भाव है। हर जीव को अज्ञानी है, व्यक्ति अनादिकाल से अज्ञानी है। वह मुख्य माने निश्चय कथन और उपचार माने व्यवहार कथन को जानने से दूर होता है। क्या करें, शिष्यों को पता नहीं है निश्चय क्या होता है, शिष्यों को पता नहीं है उपचार क्या होता है। देखो जब भी कथन किया जाता है उस कथन में एक होती है वास्तविकता और एक होती है उस बात को समझाने के लिए प्रयोग करना इधर उधर से, हकीकत और हकीकत को कहने के लिए भाषा, अलग अलग चीजें हैं। कोई जरूरी हकीकत कुछ है और शब्द किसी प्रकार के प्रयोग किए गए। कल मैंने दर्जी का एग्जाम्पल देकर के बात कही थी आपको, गला काटने की बात कही थी, जेब काटने की बात कही थी मैंने आपको, आज दूसरी बात कहता हूं। आप बतलाइए, आपका बच्चा 5 साल का है, आपके ने उसको कपड़े पहनाए, कपड़े पहनाते हैं, नए कपड़े खरीद करके लाए, अब वो 7 साल का हो गया है, आप कहते हैं कपड़े छोटे हो गए? सच में कपड़े छोटे हो गए क्या? सही है या गलत है आपका कथन? वक्ता का थर्ड पॉइंट वापस बतलाता हूं, ठहरिए आप पहले मेरी सुनिए। देखिए क्या कह रहा हूं मैं,
क्या बात कह रहा था? टेलर की बात कही थी मैंने, वो पूरी हो गई। कपड़ों की बात कह रहा था। 5 वर्ष का बच्चा 7 वर्ष का हो गया, आप कह रहे हैं इसके कपड़े छोटे हो गए। सच सच बतलाना, कपड़े छोटे हुए हैं कि बच्चा बड़ा हुआ है? बच्चा बड़ा हो गया है, बात तो ऐसी है, बच्चा बड़ा हो गया है। भूल तो रहे, कपड़े छोटे हो गए, कपड़े छोटे हो गए। अगली बार ऐसा करना, 7 साल का हुआ है ना, अगली बार जो कपड़े लेकर के आओ उसको नाप करके और लिख करके रखना किस साइज का है। 2 साल बाद में फिर आप कहेंगे फिर कपड़ा छोटा हो गया, शर्ट छोटा हो गया, टी शर्ट छोटा हो गया। अरे भाई, बच्चे बड़े हुए हैं, देखो बड़े होते हैं बच्चे और कथन किया जाता है कपड़े छोटे हो गए हैं। तो हकीकत तो है बच्चे बड़े हो गए हैं, इसका नाम है निश्चय, और कथन किया जा रहा है कपड़े छोटे हो गए हैं, इसका नाम है उपचार व्यवहार। एक होता है फैक्ट, एक होता है फैक्ट के साथ साथ में जो बात कह दी जाती है। फैक्ट का नाम है मुख्य, फैक्ट का नाम है निश्चय, और उस फैक्ट के साथ में जो पैरेलल दूसरी बात चल रही है उसका नाम है उपचार, उसका नाम है व्यवहार, उसका नाम है लगावटी बात, मिलावटी बात। जैसे मिठाई का डब्बा, इसी तरह के कथन होंगे सारे। ट्रेन में सफर करते हैं आप लोग सब? क्यों नहीं करते हैं? क्यों नहीं करते? जब आप ट्रेन में सफर कर रहे होते हैं और यहां से मुंबई तक जा रहे होते हैं, जयपुर से मुंबई जा रहे हैं, रास्ते में कौन कौन से स्टेशन आ गए, आप क्या बोलते हैं? अंदर बैठे बैठे बोलते हैं, क्या आ गया भाई साहब, कौन सा स्टेशन आ गया, कौन सा स्टेशन आ गया, अब भोपाल आ गया, अब ये आ गया, कोटा आ गया, कोटा आ गया। सच में यही बात है, कोटा आ गया, कि हम कोटा आ गए। क्या है स्थिति? कोटा अपनी जगह से रंच मात्र भी नहीं खिसकाए, भोपाल अपनी जगह से रंच मात्र भी नहीं खिसकाए, समझ रहे हैं आप? वो वहां का वही है। बंबई आ गया क्या? बोरीवली आ गया क्या? भाईंदर आ गया क्या? भाईंदर आ गया, भाईंदर कभी नहीं आएगा, हम भाईंदर आएंगे। लेकिन भाषा इसी प्रकार की होती है, इस भाषा को कहते हैं उपचार, इस भाषा को कहते हैं व्यवहार, इस भाषा को कहते हैं लगावटी बात, इस भाषा को कहते हैं मिलावटी बात। समझ में आ रही है? मुख्य और उपचार बता रहा हूं, इन लाइनों का अर्थ कर रहा हूं। यहां जो बोल्ड लाइन है 27 नंबर पेज पर, जीवों को अनादि से अज्ञान भाव है, ना समझे जीव अनादि काल से, वह मुख्य माने निश्चय कथन और उपचार माने व्यवहार कथन को जानने से दूर होता है। वो बेचारा निश्चय व्यवहार कथन को नहीं जानता, शिष्य नहीं जानता है निश्चय व्यवहार कथन को, शिष्य को पता नहीं है निश्चय क्या होता है, शिष्य को पता नहीं है व्यवहार क्या होता है, निश्चय व्यवहार का जानकार नहीं है वो शिष्य। तो क्या करें, उसे समझाते हैं। यहां निश्चय भी समझाएंगे, यहां व्यवहार भी समझाएंगे, निश्चय को मुख्य करने की प्रेरणा भी देंगे। सुनो, वहां मुख्य कथन तो निश्चय नहीं के अधीन है, उपचार कथन व्यवहार नहीं के अधीन है। उपचार कथन क्या होता है? मुख्य कथन निश्चय नहीं के अधीन सच्चाई, हो सकता है सच्चाई बोली नहीं जाए, हो सकता है सच्चाई बताई नहीं जावे, और उपचार कथन व्यवहार नहीं के अधीन है। जो भी उपचार कथन होंगे वो व्यवहार नहीं के अधीन है। हम आपके घर पर आए और आपने कहा पंडित जी अपना ही घर समझना, हमने कहा ठीक है सब अपना ही समझेंगे। अब बताओ, 3 दिन के लिए आए थे, 5 दिन हो गए, 7 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, आप बर्दाश्त करेंगे? कितने दिन बर्दाश्त करेंगे बोलो? अब आप पूछने लग जाएंगे पंडित जी यहाँ के बाद आपका क्या प्रोग्राम है, डायरेक्ट तो नहीं पूछेंगे, आगे का आपका क्या प्रोग्राम है, टिकट हो गई क्या आपके, नहीं बर्दाश्त हो गई तो टिकट हो गई क्या, नहीं तो कह देंगे रिटर्न टिकट कब का है, डायरेक्ट पूछ सकते हैं, नहीं तो रिटर्न टिकट करवा दें क्या, क्या माने देखो हालत क्या है, बोल रहे हैं अपना ही घर समझिए। आप तो कह रहे थे अपना ही समझिए, हम तो अपना समझ करके यहीं रह गए हैं, इसलिए थोड़ी ने कहा था, हमने तो व्यवहार कथन कहा था, तुमने इसको मुख्य कथन समझ लिया, निश्चय कथन समझ लिया। व्यवहार के कथन को व्यवहार जितनी ही वैल्यू दी जानी चाहिए,
व्यवहार के कथन को निश्चय जैसी वैल्यू नहीं दी जा सकती है। निश्चय की बात अलग है और व्यवहार की बात अलग है। कुछ भी कहो व्यवहार में, निश्चय की बात तो ये है कि भाई है सब द्रव्य स्वतंत्र जगत में, ये निश्चय की बात है, ये परमार्थ की बात है। व्यवहार में कुछ भी कह दो आप, क्या फर्क पड़ता है? व्यवहार में बोलने के अंदर जी आपका ही बच्चा है साहब, नहीं हमारा बच्चा है, बोलने में तो कह देते आप ही की कृपा है साहब, आपके आशीर्वाद से पास हुआ हूं साहब, आपका उपकार है साहब, बोलने में बोल देते हैं। ये सब व्यवहार है, उपचार है, ये सब, इनमें सच्चाई कितनी है ये बतलाओ। मां के आशीर्वाद से बच्चे पास होते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? मेरिट में आया बच्चा, टॉप किया उसने, घर आकर के मां के चरण छूता है और मां ने कहा बेटा बहुत अच्छा कि मां तुम्हारे आशीर्वाद से टॉप किया है। सच सच बतलाओ, मां के आशीर्वाद का कितना रोल है उस बच्चे के टॉप करने में? खेले नहीं था, फिर भी साहब दुआएं तो होती है साहब, कुछ भी कहो, आखिर माँ का आशीर्वाद आखिर असर तो करता ही है साहब, फर्क तो पड़ता ही है। अब सुनो मेरी, यदि आपका ऐसा मानना है तो मेरा दूसरा क्वेश्चन, घर में दो बच्चे हैं, एक बहुत इंटेलिजेंट है और दूसरा बिल्कुल पढ़ता लिखता नहीं है, बोलो माँ का आशीर्वाद किसके प्रति ज़्यादा है, पढ़ने वाले के प्रति कि नहीं पढ़ने वाले के प्रति? सच सच बतलाना दिल पर हाथ रख करके, सबके घरों में बच्चे हैं, जो नहीं पढ़ता है ना उसके ऊपर आशीर्वाद ज़्यादा है? हे भगवान बस ये हो जाए, ये तो कर लेगा अपने आप, ये वाला तो कर लेगा, ये तो होशियार है भाई, हे भगवान बस ये, अरे बेटा बेटा अच्छे से करना, बेटा ध्यान रखना, बेटा बहुत उस बच्चे को दूसरे वाले के ऊपर ज्यादा आशीर्वाद है। फिर नंबर किसके अच्छे आते हैं? जिसके ऊपर आशीर्वाद ज्यादा है उसके, या जिसके ऊपर आशीर्वाद कम है उसके? मैं पूछ रहा हूं आपसे, यदि आपको ऐसा लगता हो कि आशीर्वाद से काम होता है तो ये उपचार है, ये व्यवहार है, ऐसा कथन किया जाता है, ऐसा कथन किया जाएगा, कोई ऐतराज नहीं है। पंडित जी आपके सिखाने से बहुत सीख गए, कह दो आप व्यवहार है, हम भी जानते हैं हमारे सिखाने से सीखते होते तो सबको सीख जाना चाहिए था, गुरु जी के पढ़ाने से यदि पढ़ते होते तो सबके बराबर नंबर आने चाहिए थे। भाई साहब निमित्तों से काम नहीं होता है, निमित्तों के ऊपर आरोप करना ये उपचार है, ये व्यवहार है, आरोप किया जाता है। तीर्थंकरों के उपदेश को सुनकर के कल्याण हो गया, जिनवाणी को पढ़कर के कल्याण हो गया, इन्होंने समझाया तो समझ में आ गया, ये सब व्यवहार कथन है, ये सब उपचार कथन है। देखो उपचार कथन भी किए जाएंगे, ध्यान रखना, लोक व्यवहार में घर गृहस्थी में रहते हुए आप उपकार से उऋण नहीं हो सकते, उपकार मानना पड़ेगा आपको, आपको माँ बाप का उपकार मानना पड़ेगा, आपको गुरुओं का उपकार मानना पड़ेगा, समझ में आ रही है? और यदि आप नहीं मान रहे हैं तो दुनिया आपको कृतघ्नी कह करके पुकारेगी, कृतघ्नी है आप, कृतघ्नी है, क्यों? किए हुए के उपकार को भूल जाने वाले, क्या बताए, कृतघ्नी है आप। हर जगह पर यह नहीं चलेगा मेरे पुण्य का उदय था तुम कौन करने वाले, ऐसा नहीं चलेगा भाई, ऐसा नहीं होता है, ये व्यवहार है, व्यवहार की भी एक भाषा होती है, व्यवहार का प्रयोग होता है, लेकिन सच्चाई तो वही है, काम तो उदय से ही होता है, सच्चाई तो यही है, काम तो उदय प्रमाण ही होगा, काम तो वस्तु की स्वतंत्र योग्यता से ही होगा, ये परमार्थ है, लेकिन व्यवहार उड़ा देने जैसा नहीं है। आप यदि व्यवहार को उड़ा करके ज्यादा परमार्थ की बातें करेंगे घर टूट जाएंगे, क्या झगड़े हो जाएंगे, आपस में विवाद हो जाएंगे। बच्चा यदि माँ बाप को ये कहने लगे अरे क्या है आप क्या करोगे, मेरे ही पुण्य का उदय था तुमने क्या किया है आज तक मेरे लिए, तो बेटा क्या होगा समझ लेना। बच्चा ये कहे कि नहीं नहीं आपकी कृपा है, और माँ बाप ये कहे कि तेरी योग्यता है, इसमें दोनों की शान है। हम आपके यहाँ आए और आप ये कहें पंडित जी अपना ही घर समझिए, और हम यह समझें कि इन्होंने कहा है, बस इनको कथन मात्र ही समझना, इसमें ही दोनों की शान है। समझ में आ रही है बात? देखो क्या कह रहे हैं यहाँ, हम निश्चय व्यवहार को समझाते हैं, वही बताते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनना, मजेदार मजेदार बातें हैं, कंसेप्ट समझने योग्य है, इसलिए नमाम्य अनेकांतम, पीछे जो दूसरे श्लोक में नमस्कार किया था यह अनेकांत है, निश्चय व्यवहार यह अनेकांत है, दोनों बातों को समझा जाता है, इसको भी समझो इसको भी समझो, जहां इसकी मुख्यता हो वहां ये, जहां इसकी मुख्यता हो वहां ये, माने दोनों बातों में बैलेंस होना चाहिए, ज्ञानियों के जीवन में बैलेंस होता है, इसलिए ज्ञानियों की गृहस्थी बिगड़ती नहीं है,
अज्ञानियों की गृहस्थी बिगड़ती है। कई लोग इस तरह की बातें करते हैं, अरे भाई साहब ज्यादा धर्म गर्म कर लेंगे ना गृहस्थी चौपट हो जाएगी, गृहस्थी बिगड़ जाएगी। भाई साहब क्या करें, हम ज्यादा धर्म कर्म करोगे ना सब बिगड़ बिगड़ा जाएगा यार, कर लिया बहुत है, लिमिटेड धर्म, इससे ज्यादा और कितना करोगे आप, और क्या जान लोगे क्या हमारी। दो तरह की टेंशन होती है माँ बाप को, मैं कई बार कहता हूं। पहले प्रकार की टेंशन होती है बच्चा गलत रास्ते पर नहीं चला जाए, धर्म कराना चाहते हैं, बच्चे को धर्म मार्ग में लगाना चाहते हैं, बच्चे को पाठशाला भेजना चाहते हैं, बच्चे को संस्कारित करना चाहते हैं। पहले प्रकार की टेंशन बच्चा गलत रास्ते पर नहीं चला जाए, क्या नहीं तो वो हाथ से निकल जाएगा। दूसरे प्रकार की टेंशन होती है माँ बाप को, यदि बच्चा धर्म मार्ग में लग जाए तो भी उसके रिश्तेदार कहने लगते हैं भैया संभालो लड़का हाथ से नहीं निकल जाए। समझ रहे हैं, गलत रास्ते पर चला गया तो भी लड़का हाथ से निकल गया, और धर्म मार्ग में ज्यादा बढ़ गया तो भी माँ बाप को चिंता होने लग जाती है ये कहीं छोड़ करके नहीं चला जाए, ये कहीं दीक्षा नहीं ले ले वे, ये चिंता होने लग जाती है। भाई साहब सुनो, धर्म पढ़ने वालों की गृहस्थी बिगड़ती नहीं है, धर्म पढ़ने वालों की गृहस्थी संभलती है, धर्म पढ़ने वालों की गृहस्थी सुधरती है। आपस में विवाद नहीं होते, आपस में झगड़े नहीं होते, आपस में मनमुटाव नहीं होते, क्योंकि वे अनेकांतवादी हैं, आतंकवादी नहीं है, नए हैं। निश्चय और व्यवहार दोनों प्रकार के नए हैं। समझा रहे हैं निश्चय व्यवहार को, थोड़ा सा समझना निश्चय क्या है और व्यवहार क्या है, वही बताते हैं। स्वाश्रितो निश्चय है, जो अपने ही आश्रय से हो उसको निश्चय कहते हैं। ये निश्चय है, जो अपने ही आश्रय से हो उसे निश्चय कहते हैं। इसका मतलब निश्चय का जो कथन होता है वो अपने आश्रय से होता है। जब भी कभी निश्चय का कथन किया जाएगा उसमें दूसरे की बात नहीं होगी, जिसकी बात कर रहे हैं उसी की बात करना ये निश्चय है। ठीक है, जिसकी बात चल रही है उसकी बात करना वो निश्चय है। देखिए जरा आगे, जिस द्रव्य के अस्तित्व में जो भाव पाए जाएं, क्या कहा, जिस द्रव्य के अस्तित्व में, जिस भी वस्तु की चर्चा कर रहे हो, ये वस्तु है, एक वस्तु है, इस वस्तु के अस्तित्व में जो भाव पाए जाएं, उस द्रव्य में उनकी ही स्थापना करना, इस द्रव्य में जो चीज पाई जाती है, जो क्वालिटी इस मोबाइल में है, इस फोन में है, इस पेन में है, उसकी इसमें स्थापना करना, तथा परमाणु मात्र भी अन्य की कल्पना न करने का नाम स्वाश्रित है। पेन को पेन कहना, पेन को स्लेट नहीं कहना, इस पेन को पेन कहना, इस पेन को मेरा कहना, ये व्यवहार है, ये पराश्रित हो गया। पेन अलग है, मैं अलग हूं, पॉइंट समझिए, पेन अलग चीज है, मैं अलग चीज हूं, दोनों न्यारे न्यारे। अब दोनों अलग अलग होते हुए भी मैंने कहा यह पेन मेरा है, व्यवहार है, गलत नहीं है। यदि यह आपके पुण्य पाप कर्म के उदय से मिला है, यदि ये पेन आपको आपने खरीद करके लाए हैं, यदि ये पेन आपके पजेशन में है, यदि इस पेन पर आपका अधिकार है, तो आप कहेंगे ये पेन मेरा है, व्यवहार कथन है। लेकिन निश्चय ने क्या कह रहा है, जिस द्रव्य की है उसमें परमाणु मात्र भी दूसरे को मिक्सअप नहीं करना, ये निश्चय है, ये स्वाश्रित कथन है। उसका जो कथन है उसी को मुख्य कथन कहते हैं। क्लियर हुई क्या बात, उसे मुख्य कथन कहते हैं। इसको जानने से अनादि शरीर आदि परद्रव्य में, नेक्स्ट पैराग्राफ की बात कर रहा हूं, इसको जानने से अनादि शरीर आदि परद्रव्य में एकत्व श्रद्धान रूप अज्ञान भाव का अभाव होता है। किसे जाना, निश्चय को जाना। निश्चय को जानने से अनादि शरीर, शरीर आदि परद्रव्य, उनमें एकत्व पना, ये शरीर परद्रव्य है, इसमें मैं हूं, ये मैं हूं, ये मैं हूं, मैं गोरा हूं, मैं सुंदर हूं, मैं अच्छा दिखता हूं, ये जो एक पना है,
इसके साथ में, इस परद्रव्य के साथ में जो एक पना है, एकत्व श्रद्धान रूप ये अज्ञान भाव है, इसका अभाव होता है, भेद विज्ञान की प्राप्ति होती है। भेद माने अलग अलग जानना, शरीर अलग था आत्मा अलग है, ये जान लेने का नाम है भेद विज्ञान की प्राप्ति होती है। सर्व परद्रव्यों से भिन्न, ये परद्रव्य है, ये कैमरा परद्रव्य है, स्टैंड परद्रव्य है, आईपैड परद्रव्य है, कपड़े परद्रव्य है, पेन परद्रव्य है, चश्मा परद्रव्य है, सारे जितने दिख रहे हैं सब परद्रव्य, शरीर परद्रव्य है। क्या कह रहे हैं? सर्व परद्रव्य से भिन्न अपने शुद्ध चैतन्य का अनुभव होता है निश्चय से, वहां परम आनंद दशा में मग्न होकर केवल दशा को प्राप्त करता है, भगवान बन जाता है, केवल दशा को प्राप्त करता है, परम आनंद दशा में मग्न हो जाता है। ये वेद विज्ञान करने वाला, ये निश्चय को समझने वाला, ये वस्तु स्थिति को जानने वाला व्यक्ति, और जो अज्ञानी है, नेक्स्ट मेरे गांधी को क्या कह रहे हैं, और जो अज्ञानी है इसको जाने बिना धर्म में प्रवृत्ति करते हैं, बोलो निश्चय को तो जाना नहीं, सच्ची बात तो जानी नहीं, भेद विज्ञान किया नहीं, दो वस्तुओं को अलग अलग जाना नहीं, तो क्या होगा? धर्म में प्रवृत्ति कर रहा है वो व्यक्ति, वे शरीर आश्रित क्रिया कांड को उपादेय जानकर संसार का कारण जो शुभोपयोग उसे ही मुक्ति का कारण मानकर स्वरूप से भ्रष्ट होते हुए संसार में भ्रमण करते हैं। लो, इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है नैरोबी केन्या के बगड़ा परिवार की ओर से।